शासन की मंशा अनुरूप 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी बीच खरगोन जिला चिकित्सालय में आयोजन को लेकर सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। बताया जा रहा है HIV मरीजों के परीक्षण के लिए जिले के सभी अस्पतालों में ICTC केंद्रों की स्थापना की है, जिसके माध्यम से मरीजों की जांच करके पीड़ित मरीजों को सुचारू उपचार दिया जाएगा। साथ ही बीमारी से बचने के उपाय समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे लेकर सुरक्षा पखवाड़े के तहत स्कूल कॉलेजों में जाकर बीमारी के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हर्ष महाजन की माने तो HIV के प्रति जागरूकता लाकर लोगों को प्रेरित करने की कवायद की जा रही है। महेश चौहान ने बताया कि पखवाड़े में भी अनेक आयोजनों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। एड्स दिवस इस बार पूरा पखवाड़ा चलेगा 15 दिन के लिए। फर्स्ट डे हमारा जो रैली निकलेगी जन जागरूकता के लिए और कैंडल लाइट भी जलाई जाएगी। उसके बाद में कंटिन्यू कॉलेजों में और स्कूलों में और बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रोग्राम होंगे, डिबेट भी होंगे, वहाँ पर चर्चा भी होगी और इस प्रकार से पूरा पखवाड़ा चलेगा। जागरूकता एक तो भाषण प्रतियोगिता वगैरह होगी, फिर क्वेश्चनायर होंगे, उसके साथ में ओपन डिस्कशन भी होगा कॉलेजों में जा करके। तो चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने इस चीज़ को कि HIV/AIDS क्या होता है और हम इससे कैसे बचे। मेरा नाम महेश चौहान है, मैं यहाँ पर वरिष्ठ काउंसलर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष महाजन है, मैं जिला शिक्षा अधिकारी एवं ICTC नोडल हूँ। एड्स की जागरूकता के लिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उस दिन हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन, जैसे कि रैली निकाली जाएगी, कैंडल मार्च निकाले जाएंगे, आगे नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे, अलग अलग कॉलेज में डिबेट्स किए जाएंगे, क्वेश्चनर्स किए जाएंगे, ताकि आम जनता में जागरूकता बने और उसको लेके जो भी भ्रांतियां हैं उसको मिटाया जा सके। एड्स एक सामान्यतः सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मानी जाती है। उसके अलावा कोई भी इन्फेक्टेड सुई से भी फैलाया जाता है, या फिर इन्फेक्टेड पार्टनर से बिना कॉन्डम से सेक्स करने से भी ये दूसरे को हो सकता है। बचने क्या उपाय सर? इसके लिए सेक्स के दौरान कॉन्डम का यूज करें, नेडल हमेशा जो साफ हो वही यूज करें, सही जगह से देखा परखा ब्लड ही चढ़ाया जाए, और इसके अलावा इसके नॉलेज के लिए आप 1097 पे कभी भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर जा सकती हैं। डॉक्टर हर्ष महाजन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।